अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। भाइयों बहनों, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जनादेश भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुआ। श्री नीतीश कुमार जी वहां पर फिर से मुख्यमंत्री बने। एमआईएम का एक विधायक बना, लेकिन उन्होंने जब संविधान की शपथ लेने की बात आई तो उन्होंने हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं ली। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये एमआईएम के असलियत को बताने का कार्य करता है। और भाइयों बहनों, यह आप अनुमान कर सकते हैं कि बिहार में एक विधायक उनका चुनाव जीतता है, वह इस रूप में अपमानित करने का कार्य करता है आप सभी को। लेकिन यहां पर तो उनके द्वारा सत्ता को चकड़ने का जो प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं, क्या ये स्वीकार्य होनी चाहिए? क्या ये विकास के लिए अनिवार्य है? क्या